आजम, आप ये बैग के हादसा जो लाला जी का बच्चे के साथ पेश आया कैसे हुआ और इसका आप क्या सोच रहे हैं? इतफाक के नार मैं इतने लाले मूसे किसी काम में आया थी तो मैं स्टक हो गया और हादसा होया और जो हादसे का पता चलिया तो जो हादसे का उस बच्चे का चाचू है पता चला ही वो मेरे बड़े जानने वाले मजीद दोस्तों में जो दोस्त है और उस तो मुझे पता चल वह भतीजा तो फिर मैं फौरी तौर पर जाए बकूवत पहुंचा जाए बकूवत जो शक्ल देखी है उसे हालत देखी है उपरती जी भी लंघी है साइड मार के उसका पहला टायर भी लंघ गया और दूसरा टायर भी लंघ गया। अगर वो बच्चा वक्ती फौरी तौर पर किसी जगह पहुंच जाता उस मदद मिल जाती और अफसोस की गल सब वही है कि जो पेट्रोकोल है कि लगे है उस वजीरे आजम से लगे है जो तीन चार दफा वजीरे आजम रहे एम्बूलेंसा उसके डॉक्टर उसके हर सहूलत है सी और किसी उन्होंने चुकया नहीं किसी संभालिया नहीं जो चुका चुकन लगे आम लोगों ने चुकया और वह बच्चा जान दे गया और फिर मैं उसकी डेड बॉडी ना उस घर गया उस उन्होंने घर एक कमरे का घर है दो भरा ने मां बाप है और एक उन्होंने मशीर है प्यो न सुनते अटैक हो गया भैन बेहोश पई है और उस बच्चे लैके पुलिस से पहला पुलिस को तावन नहीं है अगर तावन है भी है तो मैं थाने खुद आया है हूं थाने अंदर गया एफ आई आर होती है पई और उस मैं पूछया कोई तावन के मसला है मसाइल के है मदई बैठे ने और बिजली तावन हों तावन करते अपना मसला साडा अपना मसला और नहायत ही तकलीफ से तकलीफ देखी है बच्चा अस्पताल पहुंच गया अस्पताल गए हैं उत्थे जाके देखा प्यो भी पे है पुत्र भी पे है और बहुत ही मशीरा भी पई है और यह हालत उदा दी और बड़े अफसोस की गल है कि उस बच्चे रुकना चाहिए और मियां सानू खुद अपना घर जो कारवा रोक लेना चाहिए और रोक के तावन कर दे बच्चे एडी कहरी एमरजेंसी आ गई थी और जो दिखाते फिरते हैं यह काम शेख मंजीब किया शेख मंजीब ने मुफ्ती बांधी सन वह भी मारते लगे जाते सब नही काम एस एस पी मियां साहब ने किया कि शेख मंजीब बारे मुतालबे अदलिया तो फौज